गाइस, मैं सानिया जीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली बॉलीवुड शो, जिसमें हम बात करेंगे इस वीक से जुड़ी बॉलीवुड की उन सभी खबरों के बारे में जो बेहद ही खास है। चलिए जानते हैं आखिर इस वीक बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ और क्या कुछ होने वाला है। पिछले काफी समय से OTT और सोशल मीडिया पर सेंसर लगाने को लेकर कोर्ट और सरकार के पास शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने इसको लेकर कानून भी बना दिया है। अब इससे जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। एक शिकायतकर्ता ने टोनी और नेहा कक्कड़ के गाने शोना शोना व हनी सिंह के सयाची और मखना का हवाला दिया है। शिकायतकर्ता ने ऐसे नॉन फिल्मी गानों पर प्रतिबंध लगाने और समिति गठन करने की मांग की है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तत्काल प्रभाव से इंटरनेट पर मौजूद अश्लील और गैर फिल्मी गानों की जांच करने की अपील की गई है। वहीं जस्टिस DN परेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया है। देश में एक बार फिर कोरोना की लहर बढ़ती दिख रही है और मनोरंजन जगत के सितारे भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बॉलीवुड सेलेब्स को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। बॉलीवुड के कई सितारे अभी भी इसकी चपेट में हैं, तो कई इससे ठीक भी हो गए हैं। इसी लिस्ट में गोविंदा का नाम भी शामिल हो गया है। गोविंदा भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। अब उन्होंने अपने नेगेटिव होने का ऐलान एक मजेदार वीडियो साझा करते हुए किया है। गोविंदा ने इंस्टाग्राम पर एक बूमरैंग वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो दरवाजा खोलकर बाहर आते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि गोविंदा ने लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने हैं और आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ है। उनके चेहरे पर गजब की ताजगी दिखाई दे रही है। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का कुछ दिन पहले ही हिंदी में टीजर रिलीज हुआ था। 9 अप्रैल को फिल्म का तेलुगु भाषा में भी टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर के रिलीज होने के बाद आलिया के साउथ इंडियन फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं आलिया भट्ट ने 9 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गंगूबाई काठियावाड़ी का तेलुगु टीजर शेयर किया है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए लिखा, एक नाम लाखों इमोशंस, एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने पावर को आगे बढ़ाया है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को प्रतिष्ठित बाफ्टा अवार्ड में एक जिम्मेदारी मिली है। प्रियंका को इस पुरस्कार समारोह में अवार्ड प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रियंका ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन का ऐलान कर चुकी है। 74वां बाफ्टा अवार्ड फंक्शन 10 और 11 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। बाफ्टा ऑफिशियल पेज ने अपने इंस्टाग्राम पर अवार्ड फंक्शन को प्रस्तुत करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री की तस्वीर शेयर कर कैप्शन लिखा, हम ये घोषणा करते हुए काफी उत्साहित हैं कि बाफ्टा कैटेगरी को प्रस्तुत करने के लिए टॉम हिडलस्टन, प्रियंका चोपड़ा जोनस, जेम्स मैकॉफ, सिंथिया अरिवो और बहुत सारे स्टार शामिल होंगे। उन सभी को आप रविवार शाम 7 बजे देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक हैं जो ट्रोल्स को बड़े तरीके से हैंडल करते हैं। अभिषेक को सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी एक्टिंग स्किल्स और फिल्मी करियर की वजह से ट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन एक्टर जिस तरह ट्रोल्स को जवाब देते हैं वो हर बार काबिले तारीफ होता है। हाल ही में एक यूजर ने अभिषेक को फिर से ट्रोल करने की कोशिश की और उनकी एक्टिंग पर कटाक्ष किया, लेकिन एक्टर ने भी यूजर के कटाक्ष को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया बल्कि उनको धन्यवाद कहा। यूजर के इस कमेंट को पढ़कर अभिषेक बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए बल्कि उन्होंने जवाब देते हुए ट्वीट किया, अरे दोस्त, जहां तक मैंने तुम्हें निराश नहीं किया मैं खुश हूँ। हमारी फिल्म देखने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये तो हुई इस वीक की बॉलीवुड की कुछ खबरों की बातें। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।